सर, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जो बैठे हुए हैं, क्या इशू है और कितने दिन के लिए बैठने वाले हैं? हम यहाँ पे नेशन फॉर फार्मर्स की तरफ से यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हुए हैं एक दिन का जी। और जो हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से जो किसान आज दिल्ली को घेरे हुए हैं, वो तो तीन कानूनों को वापस करने के लिए, उनकी सॉलिडारिटी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, आपके भूख हड़ताल बैठने से या उन किसानों के सड़क पे बैठने से, क्या ये सरकार इन बिल्स को वापस लेगी? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है जी, एक ही रास्ता है, संघर्ष ही हमारा नारा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार ये तीन कानून वापस लेना है, किसानों की बात सुनना है, किसान जो बोलते हैं उसके हिसाब से आप कानून बनाओ। ये लोग किसकी बात सुन रहे हैं? आप कॉर्पोरेट की बात सुन रहे हैं, अंबानी अडानी की बात सुन रहे हैं। ये लोग किसानी को, खेती को कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। सर, आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं, कई सारे अलग अलग बिजनेस आपके हैं, आप कोविड-19 के दौरान से कितना सफ़र किए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान डे बाई डे डेवलप हो रहा है। देखिए, बिजनेस बाद में है, मैं एक किसान का, मैं किसान के घर से आया हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ जी। तो डिमोनेटाइजेशन का देखिए आप, काला धन वापस लाएंगे बोले वो देखिए आप, ये सारे जो है ना, इनके पूरे अभी तक जितने भी ये लोग बड़े बड़े कानून बनाए सारे फेल हो चुके हैं जी। और ये लोग झूठ पे झूठ इनका जो प्रोपोगंडा बना के जो मीडिया के थ्रू जो चलाते हैं लोग, तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है और संघर्ष करने की ज़रूरत है। सर, आम पब्लिक को या हमारे गुलबर्गा के अतराफ जो किसान हैं, इनको उस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों में आज भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा उसके ताल्लुक से इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। लोगों, यहाँ के किसानों में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन यही हमारा रास्ता है और हम यही अपील करते हैं सब गुलबर्गा ज़िले के किसानों से कि भाई किसान, ये पूरा खाली ये दिल्ली, अपना पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ के किसानों का मसला नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का मसला है, ये पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने का कानून है। इसके लिए सारे किसान आएँ, इसको सपोर्ट करें और इस बिल की मुखालिफत करने की हम अपील करते हैं।